नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, नामदफा का अर्थ होता है नाम मतलब पानी और दफा मतलब ओरिजिन यानी उत्पत्ति, यानी नामदफा मतलब पानी की उत्पत्ति। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में स्थित है और इसे भारत में जैव विविधता में सबसे घनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह उद्यान दुनिया का सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षावन है। यह क्षेत्र व्यापक डिप्टेरोकार्प जंगलों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप नामदफा राष्ट्रीय उद्यान घूमने का प्लान बना रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना चाहिए। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के चापलांग जिले में म्यांमार के साथ की सीमा के पास स्थित है। इसका मूल क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यह उद्यान मिस्मी पहाड़ियों की दफा बूम पर्वतमाला और पटकाई पर्वतमाला के बीच में स्थित है और इसकी समुद्री सतह से ऊंचाई 200 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक की है। ऊंचाई में विभिन्नता होने के कारण आपको यहाँ हर तरह की वनस्पति और हर तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। नीचे के क्षेत्रों में जहाँ चौड़ी पत्तियों वाले पौधे मिलेंगे, वहीं आगे चीर के जंगल और ऊपर तो बारहमासी बर्फ तथा अल्पाइन घास के मैदान भी आपको आकर्षित करेंगे। दोस्तों, नामदफा में खूब बरसात होती है। सामान्यतः मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक यहाँ बारिश का मौसम होता है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इन महीनों में नामदफा नेशनल पार्क का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम इसके बीच में होता है, जो यहाँ घूमने के लिए आपको एक उपयुक्त वातावरण देगा। सर्दियों का समय एक ऐसा समय होता है जब पार्क में अक्सर वन्य जीव धूप सेकते हुए दिखाई देते हैं तथा इस समय पार्क की प्राकृतिक सुंदरता भी अपने चरम पर होती है। सर्दियों में हल्के गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि अरुणाचल जाने के लिए इनर लाइन पास की आवश्यकता होती है। यह पास ऑनलाइन बन सकती है। ऑनलाइन के अलावा आप दिल्ली स्थित अरुणाचल भवन, जबकि कोलकाता, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में भी इनर लाइन पास बनवा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम नामदफा पहुँचे कैसे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप पर जाने वाले टूरिस्ट फ्लाइट, ट्रेन या रोडवेज किसी भी तरह से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपने फ्लाइट का सिलेक्शन किया है तो यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ है, जो कि नामदफा से सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट गुवाहाटी, नई दिल्ली और कोलकाता जैसे सभी प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से ट्रैवल करके एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वहां से कार, टैक्सी या बस से ट्रैवल करके आराम से 5 से 6 घंटे में नामदफा पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो न्यू तिनसुकिया यहां का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो यहां से सिर्फ 141 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां ट्रेन से पहुंचने के बाद आप आसानी से 5 से 6 घंटे में बस, कार या टैक्सी द्वारा नामदफा पहुँच जाएंगे। मियाओ नामदफा का सबसे नज़दीकी सब डिविजनल शहर है, जहाँ कुछ होटल और होम स्टे मौजूद हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। मियाओ में आवश्यक परमिशन के लिए वन विभाग का ऑफिस है। मियाओ से 20 किलोमीटर आगे जंगल में देबान नाम का स्थान है, यहाँ वन विभाग का रेस्ट हाउस है। अगर आप कभी इधर आएँ तो देबान रेस्ट हाउस में अवश्य रुकें। यह नोआ दिहिंग नदी के किनारे अत्यंत रमणीक स्थान पर बना हुआ है। इसकी बुकिंग मियाओ से ही होती है। मियाओ की दूरी गुवाहाटी से लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है। भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पूर्व में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह नेशनल पार्क लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
और देश के सबसे बड़े पार्कों में इसकी गिनती होती है। यह समुद्र तल से 300 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस कारण इसमें वन्य जीवन की जो विविधता देखने को मिलती है वह कहीं और नहीं मिल सकती। इतना बड़ा होने के बावजूद भी इस नेशनल पार्क में आपको अंदर जिप्सी से सफारी की अनुमति नहीं मिलती। जिप्सी सफारी आप पार्क के कुछ बाहरी इलाकों में ही कर सकते हैं। आपको मियाओ स्थित फॉरेस्ट ऑफिस से परमिशन लेकर जंगल में जाना होता है। इस घने सदाबहार वर्षावन में आपके साथ एक हथियारबंद गाइड होता है और आप जंगल की पगडंडियों पर पैदल ही भ्रमण करते हैं। इस भ्रमण का आनंद ही कुछ और है। आप यहाँ घूमने आएँ तो 4 से 5 दिन का समय लेकर के आएँ और भिन्न भिन्न दिशाओं में गाइड के साथ आराम से घूमें। जंगल पक्षियों की अनगिनत आवाज़ों से गूंजता हुआ मिलेगा और आपको यहाँ पेड़ों पर बंदर उछल कूद करते हुए आपको देखकर हू कू कू करते हुए मिलेंगे। इस पार्क में अरुणाचल के राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल का भी दिखना आम बात है। भारत में यही एकमात्र नेशनल पार्क है जहां तेंदुआ और हिम तेंदुआ दोनों मिलते हैं। जी हां, निचले इलाके में तेंदुआ जबकि ऊपर के बर्फ भरे वाले इलाके में आपको हिम तेंदुआ देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा यहाँ बाघ, जंगली हाथी, भालू, भेड़िया, कस्तूरी मृग, सांभर, घुरल, जंगली सुअर, लाल पांडा, रेड फॉक्स, भरल, अनेक तरह के हिरण, लोमड़ी और कई तरह के जानवर दिखाई देंगे। कभी कभार यहाँ उड़ने वाले गिलहरी भी आपको दिख जाएगी। इनके अलावा यहाँ पर तितलियों की अनगिनत प्रजातियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। सदाबहार वर्षावन होने के कारण यहाँ पर जोंक भी बहुत अधिक है, इसलिए आप यहाँ संभल कर चलें तथा ऊंचे हील वाले जूते का इस्तेमाल करें ताकि आपके ऊपर तक पैर ढके हुए रहें। दोस्तों, आइए हम आपको इस नेशनल पार्क के कुछ अत्यंत ही मनमोहक वीडियो दिखाते हैं। आनंद लीजिए और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।